शारदीय नवरात्र में अनूठी और सैकड़ों सालों से चली आ रही एक प्राचीन परंपरा शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के आगमन पर शस्त्र की पूजा। 100 सालों से चलती आ रही इस परंपरा में माँ दुर्गा के हर स्वरूप की आराधना होती है, तो दूसरी तरफ शस्त्रों की पूजा शारदीय नवरात्र पर रांची के जवान के जवान सालों से चलती आ रही शस्त्र पूजा की परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जैसा आप जानते हैं 1880 से ही ये वाहिनी यहाँ पर कार्यरत है और तभी से यहाँ पर दुर्गा पूजा की परंपरा है। जो हमारे गोरखा वाहिनी के जो बहादुर सिपाही और बहादुर अधिकारी हैं, ये सभी लोग और इनके जितने ही परिवार वाले हैं, ये सभी लोग पूरी श्रद्धा के साथ अभी आने वाले 9 दिनों तक यहाँ पर दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है वो मनाएंगे। और इसमें हम सभी भी शरीक होते हैं, हमारे सभी जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो सभी सपरिवार इसमें शामिल होते हैं। और ये पूजा झारखंड पुलिस के सभी लोगों के लिए और उनके सभी कर्मियों के सभी परिवारजनों के लिए ओवरऑल जो उनकी सुख समृद्धि इनकी कामना के साथ हम लोग कर रहे हैं। और माता का आज आगमन हुआ है, हम लोग माता को प्रणाम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड पुलिस परिवार पे इनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। शक्ति के उपासक जैप जवानों के लिए नवरात्र खास होता है। समाज की रक्षा, शस्त्र की पूजा, देश की सुरक्षा और माँ दुर्गा के प्रति आस्था नवरात्र में ये ऐसे ही दिखाते हैं। कलश स्थापना के साथ नेपाली परंपरा से माँ दुर्गा की वंदना होती है, फायरिंग कर माँ दुर्गा को ये सलामी देते हैं। कि आप जानते हैं कि गोरखा वाहिनी उस वक्त से झारखंड में और बिहार में, संयुक्त बिहार में, जब बिहार का समय था तब जितने भी सबसे ज़्यादा दुर्गम इलाके होते थे वहाँ पे ये लोग काम करते आए और इन्होंने अपनी शहादत से झारखंड और बिहार में जो है एक शांति और समृद्धि का माहौल कायम किया था। आज भी ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ होते हैं वहाँ पर लगे हुए रहते हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि माता की कृपा से हमेशा जयपवन का जो नाम है और गोरखा वाहिनी का जो नाम है, ये नाम और प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी और ये और ऊपर चल जाएगी। जैप बटालियन में बलि की परंपरा और हथियारों की पूजा का अपना एक खास महत्व होता है। महानवमी के दिन गोरखा जवान अपने हथियार माँ दुर्गा के चरणों में रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, माँ के चरणों में बलि देते हैं। गोरखा जवानों में हथियारों की पूजा की परंपरा इस बटालियन के गठन के समय से ही चलती आ रही है। इनका मानना है कि दुश्मनों से मुकाबले के समय उनके हथियार धोखा ना दे और सटीक चले, इसके लिए वे माँ दुर्गा के सामने हर नवमी को अपने हथियारों की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज़।